नमस्कार, शून्य से शिखर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। लद्दाख का खारदुंगला दर्रा, ऊंचाई 18,380 फीट, ऐसी ऊंचाई जहां पर हाड़ कपा देने वाली ठंड हो, तापमान -24 डिग्री हो, सांस लेना भी मुश्किल हो, इस ऊंचाई पर कथक नृत्य के जरिए देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कारनामा इस बार की शून्य से शिखर तक की प्रतिभा ने किया है, और वो हैं श्रुति गुप्ता। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत आपका लोकसभा टीवी में। इससे पहले कि श्रुति गुप्ता के अब तक की हम कैसा उनका अनुभव रहा, उनके इस प्रदर्शन का, उनकी इस प्रतिभा का, इस बारे में जानकारी लें, आपको दिखाते हैं श्रुति गुप्ता के अब तक के सफर की एक तस्वीर। तापमान -24 डिग्री सेल्सियस, 20 मिनट की परफॉर्मेंस, 18,380 फीट ऊंचाई पर बना रिकॉर्ड, खून जमा देने वाली ठंड, ऐसा तापमान जहां किसी सामान्य व्यक्ति की सांसें थमने लगे, हाथ पैर काम करना बंद कर दें, ऐसी खून जमा देने वाली तापमान पर उसके पांव थिरकने से नहीं रुके, हाड़ कपा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों की ठंड को ऐसे मात दी हिंदुस्तान की बेटी श्रुति गुप्ता ने। मूल रूप से हिमाचल के सोलन की रहने वाली कथक नृत्यांगना श्रुति गुप्ता ने अपनी लगन और साहस के दम पर जो कर दिखाया वो किसी नजीर से कम नहीं। 27 अक्टूबर 2016 को -24 डिग्री तापमान पर श्रुति ने लेह से 40 किलोमीटर दूर खारदुंगला दर्रा की गगनचुंबी पर 18,380 फीट की ऊंचाई पर बिना गर्म कपड़े पहने कथक करके रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपने इस परफॉर्मेंस को देश के सैनिकों के नाम समर्पित कर दिया। करीब 20 मिनट तक वंदे मातरम की धुन पर झूमी श्रुति को ठंड की उस तकलीफ से ज्यादा उन सैनिकों का ख्याल था जो बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए डटे रहते हैं। श्रुति गुप्ता का नाम उनके इस परफॉर्मेंस के लिए लिम्का बुक के रिकॉर्ड में एक बार फिर दर्ज हो गया। सीधे चलते हैं श्रुति के पास ही और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। श्रुति, आपसे यही जानना चाहूंगा, पहला सवाल यही कि श्रुति गुप्ता एक कृथक नृत्यांगना बन सकती है, ये कब महसूस हुआ? सबसे पहले तो लोकसभा के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मुझे बचपन से ही नृत्य गॉड गिफ्टेड मिला है, भगवान का आशीर्वाद रहा है, और मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सहयोग किया। मैं बचपन से ही डांस की शौकीन रही और टीवी में देखना, प्रोग्राम्स में देखना, तो वो सब चीज़ों को कॉपी करना और करना, कहीं भी कुछ भी जब भी मौका मिले तो डांस करना। तो माता पिता को लगा कि बहुत अच्छा है, करती है, सब लोगों ने, घर वालों ने बहुत मोटिवेट भी किया, और धीरे 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 ये जो मेरा शौक था ये मेरा प्रोफेशन भी बन गया और मेरी जिंदगी बन गया। ये कोई पहली बार नहीं था, इससे पहले भी श्रुति अपने अदम्य साहस के दम पर अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज करा चुकी है। 18 अक्टूबर 2015 में श्रुति ने लाहौल स्पीति में बारालाचा के पास 17,191 फीट की ऊंचाई पर 7 मिनट तक कथक नृत्य कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे अधिक ऊंचाई पर कथक करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद ही वो सुर्खियों में आई और ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली कलाकार बन गई। जब भी हम कोई सपना बुनते हैं उसके लिए हम सबसे पहले एक आदर्श भी स्थापित करते हैं कि हमारा आदर्श ये है। श्रुति गुप्ता के कृतक जो आपका नृत्य है, जो आपकी कला है, इस कला में आपका आदर्श कौन है? मेरे गुरु श्री राजेंद्र गंगानी जी। मैंने दिल्ली में उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, चंडीगढ़ में उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ जब जब मुझे मौका मिला मैंने उनके प्रोग्राम्स देखे, और भी बहुत सारे हमारे कथक गुरुओं के, गुरु बिरजू महाराज जी के, विधालाल जी के प्रोग्राम्स मुझे देखने का सुअवसर मिला, तो मैंने देखे और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मुझे लगा कि मुझे भी जो मैं करती हूँ तो उसका, जो मैं नृत्य करती हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल में कोई फॉर्म सीखना है, क्योंकि क्लासिकल बेस है, तो अगर, और हमारी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, तो उसमें से चुनना था कि मुझे क्या करना है। तो जब मैंने इन अपने गुरुओं को देखा तो गुरु राजेंद्र गंगानी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैंने तब कथक नृत्य में अपना एक
अपना भविष्य देखा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए और मुझे कथक नृत्य की शिक्षा, बकायदा बेसिक जो इसकी शिक्षा है वो लेनी चाहिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद भी मिला, उन्होंने मुझे स्वीकार किया अपनी शिष्या के रूप में, और तब मेरी ये जर्नी जो है ये शुरू हो। अक्टूबर के महीने में लद्दाख के खारदुंगला दर्रा की 18,380 फीट की ऊंचाई पर -24 डिग्री टेम्परेचर में कथक नृत्य करना, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो वहाँ पर आपने कथक किया, ये ख्याल आपके मन में क्यों आया? देखिए, मैं बचपन से ही मेरे फादर के साथ ट्रैकिंग का शौक़ रखती थी और फादर के साथ ट्रैकिंग पे जाया करती थी। तो हालांकि लोग मेरे फादर को कहते थे कि बहुत छोटी है, इसे आप क्यों पहाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो पापा कहते थे कि इसका मनोबल इतना है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है छोड़ के जाना, तो इसलिए मैं ले जाता हूँ कि ठीक है। तो वहीं से वो ट्रैकिंग का वो सारा का सारा वो एक ज़रिया था वो शुरू हुआ। तो पहाड़ों पर जाना, चोटियों पर जाना बर्फ़ में, और वहाँ जाकर के डांस करना शुरू कर देना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो वहीं से वो चीज़ें शुरू हुई। और माउंट एवरेस्ट मैंने सपना देखा पहाड़ों पर जाकर, कि एक दिन मैं अपने पापा से कहा करती थी चीख चीख कर पहाड़ों में, जब आवाज़ गूंजती थी कि मैं आऊँगी माउंट एवरेस्ट का नाम ले लेकर, मैं आऊँगी और मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा कर के डांस करूँगी। तो यही सपना मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो लगा कि माउंट एवरेस्ट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वहाँ का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह बहुत सब कुछ है, तो वो भी नहीं हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो समझ में आया कि हम बारालाचा पास अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने 2015 में 18 अक्टूबर को बारालाचा पास पे 7 मिनट्स -4 टेम्परेचर में परफॉर्म किया था शिव स्तुति, और उसका जो थीम था वो भी सेव नेचर था, क्योंकि कथक मेरी परफॉर्म करती हूँ तो कथक का जो बेस है वो यही है स्टोरी टेलिंग, कि आप कोई मैसेज दे रहे हैं समाज को। तो जब मैं इतनी हाइट पर जा रही हूँ जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, तो वहाँ सिर्फ एक रिकॉर्ड के को ध्यान में रख करके जाना मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी सोच है। तो आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि आप पूरा विश्व का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो रहा है, तो उस समय पर जब पूरा लोग, सब लोग आपको देख रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके का मैसेज भी दीजिए कि एक समाज में एक लहर दौड़े, कुछ प्रभाव पड़े आपकी उस चीज़ का। तो इसीलिए मैंने तब किया, और उसके बाद जब मैंने दोबारा भी ये आप लेटेस्ट किया 27 अक्टूबर को 2016 में, अभी कुछ दिन पहले, तो मैंने फिर खारदुंगला पास चुना, और वहाँ का हाइट था आपका 18,380 फीट, और इस बार जो टेम्परेचर था वो -24 था, जो कि बहुत मुश्किल था, -24 था। श्रुति गुप्ता आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। वो कहती हैं कि उन्हें सैनिकों के सम्मान में कुछ ऐसा करने की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से मिली। प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के सैनिकों के नाम संबोधन में कहा था कि दिवाली तो हम सभी अपने अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन इस बार एक दिया सैनिकों के नाम जरूर जलाए। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान जिसने श्रुति को इतना कड़ा साहस करने की हिम्मत दी। स्कूल हो, कॉलेज हो, छात्र हो, गांव हो, गरीब हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, सिने जगत हो, शायद ही कोई बचा होगा जिसने देश के जवानों के लिए दिया न जलाया हो, देश के जवानों के लिए संदेश न दिया हो। प्रधानमंत्री के इस बयान ने श्रुति को बेचैन कर दिया। श्रुति को लगा कि नृत्यांगना होने के नाते उन्हें भी सैनिकों के लिए कुछ करना चाहिए। अपनी कला से सैनिकों के हौसले बुलंद करने वो सैनिकों के बीच पहुंच गई। आईटीबीपी और सेना के जवानों के बीच कथक के प्रदर्शन का अनुभव कैसा रहा, आइए उन्हीं से जानते हैं। अक्टूबर का महीना ही था, उसके थोड़े ही दिनों पहले उड़ी का आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे देश के 18 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीमा पर जाते हैं देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके साथ दीपावली मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी देशवासियों से अपील की कि इस दिवाली एक दिया शहीदों के नाम, एक दिया सैनिकों के नाम। तो क्या ये सब घटनाक्रम ने भी आपको प्रोत्साहित किया, आपको प्रेरित किया कि आप सैनिकों के बीच में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें?
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं ये जून में प्लान कर रही थी, जून 2017 में मैं प्लान कर रही थी और मैं उसी के लिए तैयारी कर रही थी और उस समय भी मैं ये करना अपने जवानों के ही ट्रिब्यूट करने के लिए कर रही थी। लेकिन जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और ये जो हमारे सतारा जवानों को, जो सोए हुए जवान थे, उनको इस तरीके से धोखे से मार दिया गया, और दिवाली का भी जो आ रहा था कि एक दिया जवानों के नाम, तो इन सब चीज़ों से लगा कि नहीं, ये मुझे अभी ही करना है। और आतंकी जो हमला हुआ उससे मतलब मन एकदम वो हो गया था कि बस अभी ही कुछ करने का वक्त है, अभी ही मुझे उठना होगा, अपने सैनिकों के लिए आवाज उठानी होगी कि हम आपके साथ हैं। हम लोग देश में इतना आराम से बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, जिंदगी सुकून से जी रहे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, और हमारी सेना गर्मी में, सर्दी में, कितनी टफ सर्कमस्टांसिस में इतना शरीर पे बोझा लेकर के खड़े रहती है सारा टाइम बॉर्डर पे और हमारी रक्षा करती है, और हम उस सेना से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। श्रुति गुप्ता की 2016 की इस उपलब्धि के लिए हिमाचल के राज्यपाल ने उन्हें बधाई देकर उनका उत्साह बढ़ाया और अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया। श्रुति पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से कथक में मास्टर्स की डिग्री ले चुकी है। इसके साथ ही वो शिमला यूनिवर्सिटी से सितार वादन में मास्टर्स कर चुकी है। श्रुति को स्कूल के समय से ही प्रकृति और देश के लिए कुछ करने की चाहत थी। श्रुति ने जो ठाना वो करके दिखा दिया। अपने हुनर और साहस के कारनामों के लिए मीडिया और अखबारों में छाई रहती है, और इस सब का श्रेय श्रुति अपने परिवार और गुरु को देती है। आपने कथक की शिक्षा कहाँ से हासिल की? मैंने, मेरे गुरुजी हैं वो जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं, वो कथक केंद्र दिल्ली में हैं, तो मैं टाइम टू टाइम उनके पास आ करके फिर यहाँ पर नृत्य की शिक्षा लेती रही। और इसके अलावा मैंने एमए म्यूज़िक किया शिमला यूनिवर्सिटी से, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में एमए किया, और मैंने बीए भी म्यूज़िक में ही किया था। और मेरे बचपन से ही मतलब मेरा, मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया कि तुम जो चाहती हो वो करो, तो मेरे पास स्कूल में भी, स्कूल टाइम से ही मैंने म्यूज़िक को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा, फिर बीए किया, एमए किया, और उसके बाद डबल मास्टर्स मैंने किया क्लासिकल डांस कथक में पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। मैं जानना चाहूंगा कि कथक एक ऐसा क्षेत्र है जो वास्तविकता अगर हम देखें तो आर्थिक रूप से उसमें ज्यादा सफलता, या यूं कहें कि जब हम उसको प्रोफेशन के तौर पर देखते हैं तो एज कंपेयर दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे प्रोफेशंस में ज्यादा पैसा है बजाय कथक के। तो फिर आपने जब कथक चुना तो आपको पारिवारिक कहीं ऐसा मार्गदर्शन या कहीं ना कहीं ऐसा तो बोलने में आया होगा कि कुछ और विकल्प भी हो सकता है? देखिए, पैसा का यदि मुद्दा है तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में आ रहे हैं तो आपको अपने दिमाग से पैसा दूर दूर तक भुला देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉन्सर्ट्स ले रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो कलाकार कला के प्रति अपना कुछ समर्पण भाव रखता है और उसको एज अ प्रोफेशन भी अपना लेता है, तो शायद वो पहले से ही उसका दिमाग बन जाता है कि पैसा मिले या ना मिले, ये मेरी जीवन की भूख है, मुझे ये काम करना है, उसके लिए पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये कि पैसा तो बहुत कम है ही, मैं ये नहीं कहती कि इस फील्ड में बहुत पैसा मिलता है, इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि आपको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। लेकिन जो वास्तव में जो कलाकार होते हैं तो वो पैसे को मायने नहीं रखते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी बात भी लूँ या बड़े गुरुओं की भी बात लूँ, तो वो पैसे को ध्यान में नहीं रखते कि वो इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो उनको कितना, उस जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको कितना मिल रहा है। उन, वो हमारा टारगेट रहता है कि हम उस जगह पर कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस कैसी रहेगी, ऑडियंस का लेवल कैसा है, उनको हमें समझने का मतलब समझ है या नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। तो बाकी आपने जो पूछा कि परिवार का क्या इसमें रोल रहता है, तो ये शुरू से ही हर एक कलाकार के लिए मैं मानती हूँ कि विडम्बना है, एक दिक्कत है कि परिवार की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैं फीमेल हूँ इसलिए शायद मुझे उतना नहीं फेस करना पड़ता होगा, लेकिन जो मेल हैं जिनको परिवार की पूरी गृहस्थी की बागडोर संभालनी होती है, उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली उनको बहुत मुश्किल होता है अपना खर्चा वगैरह चलाना। ये यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि आप शादीशुदा हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पति का साथ आपको आपके इस जो आपकी कला है, ये जो आपका क्षेत्र है, इसमें उनका समर्थन आपको कैसा मिल रहा है?
देखिए, मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं पढ़ रही थी, मैं सीख रही थी, वो सब चीज़ें थी, और ये था कि मुझे कुछ करना है, कुछ जुनूनी करना है, कुछ अच्छा करना है. लेकिन मैंने तब तक कुछ ऐसा किया नहीं था जैसे कि रिकॉर्ड्स वगैरह या इस तरीके का, कुछ इस तरीके का नहीं हुआ था. लेकिन सपना था, शौक था पहले से ही कि करना है. और शादी के बाद ही मैंने दो रिकॉर्ड्स बनाए. मैंने अपनी डबल मास्टर्स एमए जो मैंने कथक डांस में किया शादी के बाद किया, तो मुझे मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट मिला और पग पग पर मेरा मुझे उनका साथ मिला. प्रकृति और सैनिकों को समर्पित यह रिकॉर्ड श्रुति ने कठिन परिश्रम और गुरु के आशीर्वाद के दम पर बनाया, जिसका मकसद लोगों को प्रकृति से जोड़ना और सैनिकों के साहस से परिचय करवाना रहा. इसे पूरा करने में श्रुति के खुद के विश्वास के साथ गुरु राजेंद्र गंगानी का मार्गदर्शन ही रहा, जिसने उनके मनोबल को चट्टान सा मजबूत बनाए रखा. गुरु की प्रेरणा, गुरु का आशीर्वाद, शिक्षा, इनके साथ 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 चलें. और बहुत धैर्य से, जैसे श्रुति ने अपने आप को बहुत धैर्य से रखा, तो उसने अपने जो टारगेट था, जो जो उसने सोचा, उस टारगेट तक की ऊंचाई को छुआ खड़े होके, नहीं जाके. मैंने कहा जब तुम रियाज कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तब घड़ी को भूल जाओ, कितना कर सकते हो उस चीज़ पर ध्यान दो. और उसने उस चीज़ को वैसे ही किया कि चाहे वो गर्मी है तो कभी हमारे बहुत गर्मी भी हो जाती है, कभी बहुत सर्दी भी हो जाती है, तो ये नहीं कि आपको आराम चाहिए कि एसी चला के आप रियाज करो, नहीं. जो सही अभी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अपनी बॉडी को उसके अनुसार ढालो और उसका रियाज भी करो, अभ्यास भी करो. तिरंगा हाथ में लिए वंदे मातरम की धुन पर कथक कर सेना का उत्साह बढ़ाने वाली श्रुति के प्रयास को आसान समझने की भूल नहीं की जा सकती. आसमान की इस ऊंचाई पर कथक करने का सपना श्रुति ने एक दो दिन में पूरा नहीं कर लिया. इसके पीछे है करीब एक साल का प्रयास, कड़ी मेहनत, लगन और तप. श्रुति ने घंटों रियाज किया. किस तरह की चुनौती रही श्रुति के सामने, आइए जानते हैं. इतने मुश्किल काम के लिए चुनौतियां भी बहुत आई होंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं और इतना स्वाभाविक भी नहीं है कि आप इतनी ऊंचाई पर जा करके सैनिकों के बीच में आप इसको परफॉर्म करें. किस किस तरह की चुनौतियां आई इस पूरे काम को साकार करने में? के लिए सबसे पहले तो परमिशंस लेना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ITBP को लिखा, ये अपने होम मिनिस्ट्री को लिखा, तो वहाँ से मुझे परमिशंस आई. तो परमिशंस मिलने के बाद चीज़ें इजी होती गई और वो काम हुआ. और इसके अतिरिक्त जो फिज़िकली और जो मेंटली जो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स थी, वो ये था कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना था उतनी हाइट पर जाने के लिए कि मुझे सांस लेने में दिक्कत ना हो. तो उसके लिए बाकायदा योगा करना और बाकायदा मेडिटेशन करना और बाकायदा कम से कम 7 से 8 घंटा डेली नृत्य का अभ्यास करना, पैदल कई किलोमीटर चलना, 10-10 किलोमीटर तो कम से कम पैदल चलना वजन लेकर. तो ये सारा का सारा एक मेरे डेली के रूटीन में एक काम रहता था कि मुझे सब कुछ करना है, तभी वहाँ पर जाकर के ये चीज़ हो पाएगी, वरना संभव नहीं है. और इतना हाइट पे जाकर के सबसे पहले तो हमारी दिमाग ही काम करना बंद कर देता है. तो इसके लिए मेडिटेशन, जो कि मैं बचपन से ही करती थी, क्योंकि मेरी दादी जी से मुझे गॉड गिफ्टेड मतलब मिला, मैंने उनसे सीखा, तो बचपन से ही शुरुआत हो थी मेरी मेडिटेशन की. तो वो सब चीजें चल रही थी, तो विदाउट मेडिटेशन मैं कहती हूँ कि वहां करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जीत दिमाग से, दिमाग की जीत थी. वहां जाकर के सबसे पहले यही सोचा कि कोई ठंड नहीं है, कोई सर्दी नहीं है, कोई ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ. और वहाँ शिव मंदिर है बारालाचा खारदुंगला पास में, तो वहाँ पर शिव मंदिर में बैठ करके पूरा भक्ति भाव से पूजा पाठ किया अच्छे से, और उसके बाद अपने आप को तैयार किया कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ करने के लिए. और फिर 20 मिनट किया, लास्ट टाइम 7 मिनट्स था और इस बार जी ये 20 मिनट. मौके पर मौजूद सैनिकों ने भी श्रुति के साहस की सराहना की और सॉलिड 16 बटालियन के कमांडेंट की ओर से श्रुति को सम्मानित भी किया गया. खरदुंगला एक 18,380 फीट की हाइट है, जिसमें सांस लेना भी कठिन होता है. उसमें ऐसे माहौल में, इतने चिल फैक्टर में 20 मिनट तक कथक रिसाइटल करना, वो भी नंगे पांव बिना ग्लव्स के हाथों में, ये अपने आप में एक विस्मरणीय कार्य है. मैं बहुत बहुत बधाई. आइए एक नजर डालते हैं श्रुति गुप्ता की उपलब्धियों और उन पलों पर जब जब उन्हें सम्मानित किया गया.
18 अक्टूबर 2015 लाहौल स्पीति में 17,198 फीट की ऊंचाई पर कथक करने का रिकॉर्ड। 27 अक्टूबर 2016 -24 डिग्री पर 18,380 फीट की ऊंचाई पर कथक कर बनाया रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल पंजाबी यूनिवर्सिटी की ओर से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑनर का सम्मान। 8 फरवरी 2016 रोटरी इंटरनेशनल क्लब की ओर से अवार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। 8 मार्च महिला दिवस पटियाला कमांडेंट प्रीतम सिंह की ओर से अवार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान। जून 2016 ITVP Fearless 51 बटालियन की ओर से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन का सम्मान। 9 नवंबर 2016 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से सम्मान। पंजाब ललित कला अकादमी की ओर से भी सम्मानित। 2015 MS रंधावा अवार्ड से सम्मानित। श्रुति की कामयाबी का सफर जारी है और अब वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके उस पर कथक करने का सपना संजो रही है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल्द ही वो तैयारी शुरू करने जा रही है। वो कहती है कि हो सका तो इस प्रोजेक्ट को वो अगले साल पूरा कर लेंगी। श्रुति अपनी इन उपलब्धियों के लिए जितनी खुश है उससे कहीं ज्यादा अपने अगले लक्ष्य के लिए उत्साहित भी है। अब श्रुति गुप्ता का अगला लक्ष्य क्या है? देखिए, माउंट एवरेस्ट मेरा बचपन से ही सपना रहा है और जब भी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर माउंट एवरेस्ट तो करना ही चाहूँगी। वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मैं मानती हूँ। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, ये मेट्रो सिटीज़ हैं और यहाँ पर हमारी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, कुछ भी जो भी हमारी ये चीज़ें हैं, यहाँ पर सीखना सिखाना आसान है। गुरु वगैरह, गुरुजी वगैरह यहाँ पर सब अवेलेबल रहते हैं, सब लोग यहीं पर ही हैं, तो बच्चों को यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं उनको सीखना समझना इजी है उन लोगों के लिए। लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जहाँ पे लोग इनके बारे में सिर्फ सुनते हैं टीवी के माध्यम से लेकिन सीखने का सपना रखते ही हैं वहाँ की बेटियाँ बच्चे, लेकिन उनसे दिल्ली आना या और कहीं जाना उनके उनके बस की बात नहीं है, उनकी पहुँच से दूर है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं दूर दराज के क्षेत्रों में जा कर के इस कला का प्रचार करूँ और उन बच्चों को सिखाऊँ जिनकी पहुँच से ये चीज़ें बहुत दूर हैं। जिस दौर में युवा पाश्चात्य संगीत पर थिरकते नजर आते हैं, श्रुति नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक कला के साथ हमारे मूल्यों की ओर आकर्षित कर रही है। वो देश भर में 400 से ज्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी है। श्रुति कहती है कि वो लोग जो आज भी लड़कियों को बोझ मानते हैं, समाज के लिए कलंक है और बदनसीब भी, जो बेटी होने के सौभाग्य को समझ ही नहीं पाते। श्रुति चाहती है कि बेटियों को लेकर समाज अपनी सोच बदले, माँ बाप उनके हुनर को पहचाने और उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करें। तो हर घर से एक श्रुति कामयाब होकर देश का नाम रोशन कर सकती है। हम आपको ऐसे समाज की न केवल कल्पना करनी है बल्कि उसे साकार भी करना है। जो समाज महिलाओं को कमतर आंकता है, जो समाज पुरुषों और महिलाओं की तुलना करके पुरुषों को कहीं ज़्यादा और महिला को कहीं कम आंकता है, मैं उस समाज को एक संदेश आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये आत्मविश्वास जो आपके मन में आया है तो वो किस तरीके से आया है। हिमालय को जो मैंने चुना है या हिमालय को ही मैं आकर्षित होती हूँ हिमालय की तरफ, वो इसलिए कि उस जगह पर जाओ कि सब लोगों का ध्यान केंद्रित हो और ऐसे रूढ़िवादी लोग जो आज भी पुरुष से कमतर महिला को मानते हैं उन लोगों का ध्यान भी केंद्रित हो, क्योंकि मैं किसी ऑडिटोरियम में भी परफॉर्म कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ, और ऐसी जगहों पे करके आप उन लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जो इस तरीके के लोग हैं, क्योंकि वो पहले ही महिलाओं को कमतर समझते हैं, तो वो क्या कोई कंसर्ट वगैरह देखने के लिए आएंगे या महिलाओं को लाएंगे। तो महिलाएं और वो पुरुष वो तब मुझे देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से। मीडिया का बहुत बड़ा एक रोल रहा है मेरे पीछे और मैं मीडिया की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही मैं ऐसे लोगों के साथ रूबरू हो पा रही हूँ और उनको दिखा पा रही हूँ कि आप बेटी का जो शोषण करते हैं या बेटी को आप एक अभिशाप समझते हैं, तो बेटी श्राप नहीं है, बेटी एक वरदान है। आप अपनी सोच बदलिए और आप बेटी को अच्छा पढ़ाइए, अच्छा लिखाइए, और वो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है उसको उस फील्ड में बढ़ाइए, ना कि एक ये कि बस बेटी हो गई है दहेज देना है शादी करनी है। भारत में
न जाने कितनी ऐसी श्रुतियाँ होंगी जो कि ये सपना देखती हैं लेकिन उनको ऐसा मंच नहीं मिलता। या मैं यूँ कहूँ कि वर्तमान समय में जो जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 21वीं सदी के भारत में भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले आज भी हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाएं या स्त्री अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, वो गर्भ से बाहर आने के लिए लड़ रही है। इस स्थिति में जब आप ये देखती हैं कि आपने तो वो मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन समाज की इस स्थिति को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बड़ी ही दुख की बात है, सचमुच 21वीं सदी चल रही है और आज भी नारी अपने सम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्षरत है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मेरा मानना ये है कि अभी बीते कुछ वर्षों से जब से मोदी जी का मतलब संरक्षण आया है देश में, तो बहुत चीज़ें बदली हैं। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कन्या भ्रूण हत्या या सेव नेचर, ये सिर्फ कागजी चीज़ें नहीं रही हैं या सिर्फ मुँह जुबानी चीज़ें नहीं रही हैं। आज के समय में हकीकत में लोग इस पर सोचने लगे हैं, विचारने लगे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि आज के लोग सचमुच सेंसिटिव हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। और जो बात आपने कही कि कन्या भ्रूण हत्या की, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही दुख वाली बात है कि आज भी लोग कन्या को जन्म से पहले ही मार देते हैं। उनकी सोच अभी भी उतनी पिछड़ी हुई है, पिछड़ी सोच है, जबकि आज के समय में बेटी और बेटे में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बेटी हर वो काम कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी सोच बदलने की जरूरत है, सोच को परिपक्व बनाने की जरूरत है। बिल्कुल श्रुति, आपके विचारों को सुनकर के व्यक्तिगत रूप से हमें भी बहुत खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम सभी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत आप बनी होंगी। अगली मुलाकात आपके साथ फिर किसी ऐसी प्रतिभाशाली महिला के साथ होगी शून्य से शिखर में। फिलहाल इतना ही, मुझे मेरी पूरी टीम के साथ जी इजाजत, नमस्कार।